शिम्बू इज स्लीपिंग। बांजू आ गया, शिम्बू शिम्बू बांजू आ गया। शिम्बू तुम इतनी शांति से कैसे सो रहे हो बेटा? कुछ खुराफात नहीं कर रहे बच्चे? दूसरा वाला लगा हुआ लेकिन शिज़ू। सिम्बा शांत हो जाएगा बट तुम नहीं रुकते हो ना शिज़ू, तुम्हारी बदमाशी चलती रहती है। गाइज वेलकम टू अनदर होम अलोन व्लॉग विद लिंस। गागा की क्यों बोल रही हूँ मैं? तो मैं दो तीन बार इंट्रो दिया पर हर बार ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ कर रही हूँ। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर पॉइंटलेस व्लॉग विद लिंस एंड दिस इज गोइंग टू बी अ होम अलोन व्लॉग। ठीक है चलो ये हो गया इंट्रो बढ़िया वाला, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हूँ मैं अकेली घर में अपने दो शैतान बच्चों के साथ, फर बेबीज के साथ। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ बट मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ वीक्स। आई हैव नॉट बीन फीलिंग दैट गुड, आई एम नॉट डन विद दैट फेज ऑफ द मंथ। फीलिंग मच बेटर और अभी मैं सोच रही हूँ कुछ दिवाली का कॉन्टेंट फिल्म करूँ। बस एक हफ्ते रह गए हैं दिवाली को, एक हफ्ता भी नहीं रह गया, आज हो गया मंडे और दिवाली है संडे को, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। मैंने दिवाली का एक भी वीडियो फिल्म नहीं किया है, कुछ भी कंटेंट फिल्म नहीं किया है। इनफैक्ट दुर्गा पूजा का भी इस बार नहीं किया था, सिर्फ ब्लॉग्स पे ही फोकस किया था। सो अच्छा टेल मी गाइज हाउ यू ऑल आर लाइकिंग माई डेली ब्लॉग्स। बीच बीच में एक दो दिन का गैप हो गया है तो गैप को फिल करने के लिए मैं एक दिन में दो ब्लॉग डाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को, आई डोंट नो आप देख भी रहे हो या नहीं बट मैं तो डाल रही हूँ वीडियोस। ठीक है आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो जो भी देख रहे हैं उनको, तो प्लीज़ डू कमेंट ताकि मुझे भी पता चले कि कोई तो भी है जो देख रहा है। चलो एनीवेज आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और ऑल्सो क्योंकि आई एम होम अलोन टुडे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं बहुत सारा कुछ करने वाली हूँ काम, दिवाली कंटेंट फिल्म करने वाली हूँ, कुछ कुछ आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में। इट्स गोइंग टू बी आउटफिट वीडियोस फॉर श्योर बिकॉज हर साल मैं एक दिवाली आउटफिट वीडियो ज़रूर से बनाती हूँ और मेरे को एकदम से याद आया अरे यार अभी तक तो मैंने बनाई नहीं वो वीडियो, लेकिन हाँ हमेशा ही मैं लास्ट मिनट पर पोस्ट करती हूँ एक दो दिन पहले। दिस टाइम आई विल ट्राई कि मैं पहले ही बना के डाल दूँ ये व्लॉग आने के पहले, हो सकता है दिवाली आउटफिट वीडियो वाला। हाँ दिवाली, ओह माय गुडनेस डॉग्स आ गए यहाँ पे। हाँ तो हो सकता है ये वाला व्लॉग अपलोड होने के पहले ही शायद दिवाली आउटफिट वीडियोस जा चुका हो लाइव मेरे चैनल पे। जब तक ये देखोगे हो सकता है आप लोग को दिवाली आउटफिट वीडियोस भी दिख जाए, उसके पहले ही डाल दूँ मैं बिकॉज ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एक हफ्ते के अंदर अगर किसी को कुछ उसमें से पसंद आएगा तो ऑफकोर्स यू ऑल कैन ऑर्डर। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार मैंने ना कुछ मंगाया नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे पास काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ उसी में से आप लोगों को लास्ट मिनट आउटफिट आइडियाज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी मोर स्टफ इन एनी मोर कपड़ा इन माई वार्डरोब बिकॉज आई हैव बीन अ होल्डर थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी द सेम एनी मोर, आई नीड टू इवॉल्व नाउ। मतलब मैं अपनी स्टोर रूम का सफाई कर रही थी, रूम खाली हो चुका, स्टोर रूम इज़ नाउ एम्प्टी। स्टोर रूम नहीं था एक्चुअली, एक बेडरूम था प्रॉपर, उसको मैंने स्टूडियो रूम बनाने का सोचा था एंड अभी वो पूरा खाली हो चुका है विच इज़ अ गुड थिंग। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना सारा मेकअप, कितना मेकअप आई डोंट डू बट फिर भी आई होल्ड इट इन सो मच। बीच में मुझे बुखार चढ़ा था, आई हैव बीन अ लिपस्टिक होल्डर एवर सिंस आई रिमेंबर, सो आई हैव बीन अ लिपस्टिक होल्डर। बाहर से शोर आ रहा है। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लिपस्टिक होल्डर बट इस तरीके का लिपस्टिक होल्डर आई, मतलब मैं देख रही थी एकदम नई नई लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं, कुछ एक्सपायर हो गई, कुछ ये हो कि सही लिपस्टिक फेंक दी मैंने। वो वाले व्लॉग्स भी शायद आ चुके होंगे जब तक ये वाला आएगा या नहीं, तो जैसे भी होगा मतलब आपको पता चली जाएगा कि क्या मैंने कितना सारा फेंका और कितना सारा अभी भी रखा हुआ है। एक रूम जो है ना, ये पूरा रूम भरा हुआ था सामान से, मैंने कई बार शेयर किया है अपने ब्लॉग्स में, लेकिन अभी ये रूम पूरा खाली हो चुका है। और ये घर जब लिया था तो मैंने इसी पर्पज़ से लिया था कि ये वाला जो रूम है ना इसको मैं स्टूडियो रूम बनाऊंगी, यहाँ पे वीडियोस फिल्म करूंगी, बट कभी हो ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ इतना सारा स्टफ रखा होता। अभी ये तीन डब्बे मुझे खाली करने हैं, इनको चेक करना है कि इसमें क्या है क्या नहीं, और खाली करना है तो खाली हो जाएगा, तो ये पूरी वॉल मेरे लिए खाली हो जाएगी। तो यस आई विल बी एबल टू क्रिएट कॉन्टेंट
आराम से रात के टाइम में भी बैठ के, रूम खाली होगा तो कुछ भी विट बना सकते हैं, यहाँ पे जगह होगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी जगह है, बट पीछे से इसको हटाना पड़ेगा तभी वीडियोस बना पाऊँगी ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखेगा वीडियोस में। तो अभी भी बहुत सारा काम है करने को, ये 3 डब्बे खाली करने हैं, बड़े बड़े कार्टन्स हैं जो मुझे खाली करने हैं। सो या दैट्स अपडेट। ठीक है, तो ये पूरा रूम हो चुका है खाली एंड आई एम सो हैप्पी। और ये इसको भी मुझे चेंज करना था बट अभी थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं एंड उस रूम का बेड भी टूट गया है, तो वो मेरे हस्बैंड का बेड था, मतलब वो टूट गया, तो अभी हमने ये थोड़ा सा मेसी हो रखा है, ये फ्लोर वाला अरेंजमेंट किया है। मुझे तो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बेड से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, ज़मीन में सोने मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत 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 अच्छी नींद आती है। तो आई लव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। मैं हमेशा से चाहती थी कि कुछ एक लोअर सिटिंग वाला या फिर ऐसे बेड का अरेंजमेंट हो, तो मैंने सोचा था इन दोनों रूम में तो बेड लगे हुए हैं। अभी देखो ये सामान भी इतना सारा कुछ निकला है ना, वो अभी यहाँ पड़ा हुआ है, इसको भी मुझे सही करना। देखो कितना सारा मेकअप पड़ा हुआ है अनयूज्ड, पता नहीं एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो वो सब भी मैं चेक करूँगी अभी। एंड शिम्बू मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये वाला रूम खाली होगा जब भी कभी, तो मैं यहाँ पे लोअर सिटिंग अरेंजमेंट करूँगी, या मतलब ग्राउंड वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट या ग्राउंड वाला बेड जो होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा फट्टा वगैरह लगा के हल्का सा लिफ्ट करके और ज़मीन पे ही बैठने या सोने का अरेंजमेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़मीन पे सोना। आई लव इट, आई लव इट। और ये ऐसे जब बेड टूटा ना, तो आई वॉज लाइक फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ माई माउथ, अरे क्या हुआ, गरीबी के दिन है तो क्या हुआ। जैसे पहले रहते थे, मतलब मैं जैसे पहले रहती जब दिल्ली आई थी, तो आई यूज़ टू स्लीप ऑन द ग्राउंड ओनली, मतलब गद्दा खरीद लिया था और ज़मीन में ही गद्दा बिछा के सोते थे। आई थिंक सो जितने भी लोग नए नए आते हैं, किसी नए शहर में मूव करते हैं सिटी में, बीट फॉर वर्क और व्हाटएवर पर्पस, तुरंत आते ही बेड वेड नहीं मिल जाता, या तो इतने पैसे हो कि फुल्ली फर्निश्ड आप घर ले लो, पर भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे। मैं आई वॉजेंट अर्निंग, मैं अपनी मम्मी के ही दम पे, मम्मी पापा के पैसों पे ही आई थी। जाहिर सी बात है कि मैं उस समय नहीं अर्न कर रही थी कि मैं अपने लिए बेड वेड सब कुछ शिजू। जिसमें तुम क्या करते हो यार, सिर्फ गंदगी करते हो बाबू, शिजू। ये शिजू ना मिट्टी खोदता है हर वक्त। नो शिजू, सिम्बा सो रहा लेकिन तुम नहीं सो पा रहे हो शांति से, मेरे पौधों को मार रहे हो। हाँ शिजू, अरे मेरा शिजू बच्चा, शिजू नो 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 नो, गंदे हो जाओगे बाबू, ऐसे ही आप इतने गंदे हो रखे हो। चलो चलो नहीं करते बेटा, आप ऐसे क्यों करते हो मेरे सोना बच्चा, आप क्यों गंदगी करते हो मेरे, क्यों 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 गंदगी करते हो, बैठो ना अच्छे बच्चे की तरह। अच्छा तो पता नहीं क्यों इतना ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात मैं अकेली हूँ तो मैं ही हूँ ज्ञान देने वाली आज। तो जब मैं नई नई आई थी दिल्ली में, ऑफकोर्स मेरे पास बेड नहीं था उस टाइम पे, तो नीचे ज़मीन पे ये गद्दा बिछा के सोती थी, तो मुझे वही दिन याद आ गया और मुझे बहुत अच्छी और चैन की नींद आती थी। आई यूज़ टू लव स्लीपिंग लाइक दैट, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था क्या हुआ पुराने दिनों की तरह, आई गोना स्लीप लाइक दैट ओनली, ज़मीन पे गद्दा बिछा के आराम से, मुझे तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है, बेड पे सोने से ज़्यादा अच्छा ज़मीन पे गद्दा बिछाओ। और ये गद्दा भी काफ़ी मोटा सा है, मैं तो पतले से ही गद्दे पे सोती थी जब मैं नई नई आई थी दिल्ली, तो ज़मीन पे ही सोते थे एक तरीके से, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने लिए खुद से ही बनाया मैंने। ये बेड वेड जो पीछे देख रहे हो वो मैंने ख़रीदा धीरे धीरे, एज आई स्टार्टेड अर्निंग एंड आई ग्रू प्रोफेशनली, तो आई इवन बॉट थिंग्स फॉर माई सेल्फ। जितना जब पैसे हुए उस तरीके के, जब आई उतने पैसे कमाने लग गई, उतनी वो खाद बनी, तो फिर मैंने ये सारा सामान भी ख़रीदा धीरे धीरे अपने लिए। सो या अभी आई डोंट थिंक सो कि बेड इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है मेरी, इट इज़ नॉट। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो मैं वार्डरोब लेने का सोच रही थी, बिकॉज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, दिवाली सेल जो होता है ना वो चल रहा है, बट आई गिव इट अ पास मे बी सम अदर टाइम। अभी दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो लेट्स सेलिब्रेट दिवाली फर्स्ट। और इस बार दिवाली पार्टी करने का भी मेरा मन है, तो आई डोंट नो कितना हो पाएगा, मतलब बड़े लोगों वाली
हरकतें करने का मन है, अमीरों वाली फील लेने का मन है, दिवाली पार्टी। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं दिवाली के पहले करूँ दिवाली पार्टी, प्री दिवाली पार्टी करूँ या पोस्ट दिवाली पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है पोस्ट दिवाली वुड बी मच मोर कन्वीनियंट, सभी लोग फ्री हो जाएंगे। अब आई डोंट नो कितने लोग आएंगे भी बोलूँगी अगर तो, बट एटलीस्ट दिवाली के बाद लोग फ्री होंगे और हम भी फ्री होंगे। दिवाली में वैसे ही बहुत काम होते हैं, तो वैसे मेरा हाथ कंधा सब दर्द कर रहा है सफाई करते करते, तो इसलिए मैंने बोला अपने मिस्टर को कि लेट्स डू इट आफ्टर, लेट्स डू अ दिवाली पार्टी एंड पोस्ट दिवाली पार्टी करते हैं, कार्ड पार्टी टाइप का। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। हवा शिजू, शिजू तुम क्यों कर रहे हो, ये देखो क्या हाल इसने किया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चिट चैटी काइंड ऑफ अ व्लॉग, तो बोर मत होना कृपया करके आप लोग। ज़्यादा बातें शायद मैं कर रही हूँ, बट अकेले हूँ तो बातें करूँगी किसी ना किसी से ना, तो आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अकेले हूँ और बात करने के लिए कोई नहीं है घर पे, तो आप ही लोगों से बातें कर रही हूँ। एंड आई डोंट नो आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो या नहीं, प्लीज़ यार जाओ देखो, डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ। And yeah, so this Diwali vlog series is also going to be a part of my daily vlogs. So Jeeva log, aap log ko hopefully acha lage. That's what I'm hoping. Fingers crossed. Diwali ki sari taiyariyan shuru ho chuki hain. Saaf safai to humne karni shuru kar di hai. Mera office table kafi ganda ho gaya. Abhi usko bhi mujhe saaf karna hai. But I'm thinking ki kuch bhi karne ke pehle main apna kuch outfit video bana leti hu. Aur kal main nahayi nahi, to aaj pehle sabse pehle fatafat se naha lungi. Abhi dhoop rehte hi. क्योंकि शाम होती है तो फिर ठंड लगने लगती है। शिजू अपने काम में लगा हुआ है। शिजू भैया, शिजू बच्चा, आप नहीं मानोगे ना, मिट्टी मिट्टी करोगे पूरा। शिजू, सिम्बा तो बात सुन भी लेता है, ये बिल्कुल नहीं सुनता है, बात ना जिद्दी है ना, नहीं मानता है कोई बात, एकदम लाट प्यार में बिगड़ गया मेरा शिजा। देखो देखो, दिखाना शिजू अपनी शक्ल, अपनी शक्ल दिखाना। हाँ आई शिजू, शिजू पिट्टी पिट्टी पड़ेगी अभी। शिजू गर्म पानी पीजिए, फिर आई विल गो टेक अ शावर एंड देन विल स्टार्ट मेकिंग सम वीडियोस। तो आप लोगों को बिहाइंड द सीन भी कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। शिजू ने पूरी बालकनी को मिट्टी मिट्टी कर दिया था, तो मैंने उसको क्लीन किया, पूरा झाड़ू किया बालकनी को और सारी मिट्टी हटा। दोनों मिलके काफ़ी गंदगी मचाते हैं, बट मुझे इन पर बहुत प्यार आता है, चाहे ये कुछ भी कर ले, मुझे दोनों इतने प्यारे हैं, लाइक नो दे आर प्रेशियस गिफ्ट्स फॉर मी। तो शिजू एंड सिम्बा दो अनमोल रतन है मेरे लिए। एंड देन आई एंजॉयड माई आफ्टरनून ड्रिंक, थोड़ा सा गर्म पानी रोज पीती हूँ मैं, तो थोड़ा सा धूप सेका एंड साथ में पिया एक कप गर्म पानी, जिससे कि मूड और माइंड दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। एंड देन आई टुक शावर फटाफट से एंड देन की भगवान जी की पूजा। मैं रोज़ प्रे करती हूँ, जब भी नहा के निकलती हूँ तो अगरबत्ती ज़रूर से दिखाती हूँ, मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। मैं एक टाइम भगवान जी को अगरबत्ती दिखा के प्रे करके उनसे कुछ बातचीत करती हूँ अपने मन की। मैं मोस्टली शाम की पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मुझे मन की शांति प्राप्त होती है, काफ़ी सुकून लगता है, सो आई फील रिलैक्स्ड। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट डूइंग माई स्किन केयर, ऑफकोर्स नहा के निकलो तो स्किन केयर इज़ मास, तो मैं मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखती हूँ। एंड देन आई अप्लाई सम लिप बाम, बिकॉज लिप बाम के बिना तो मैं नहीं जी सकती। आफ्टर एवरी 2 to 3 minutes आई अप्लाई लिप बाम, बिकॉज मुझे शैप लिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और डेली खुशबू भी लगाती हूँ मैं, परफ्यूम भी लगाती हूँ, चाहे मैं घर में रहूँ चाहे बाहर जाऊँ, आई लव अप्लाइंग परफ्यूम, आई लव अप्लाइंग फ्रेगरेंसेस। आयुर्वेदा स्पा में हो ऐसा फील होता है। दिस स्मेल्स लाइक श्योर लग्जरी आयुर्वेदा, सो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एसेंशियल्स। इट्स लाइक अ थेरेपी यार, सच में बहुत अच्छा है। फॉरेस्ट एसेंशियल्स की जो बॉडी मिस्ट आते हैं ना, बहुत अच्छा। अभी तक मैंने सो फार आई यूज्ड ऊद वाला, ऊद एंड ग्रीन टी वाला, एंड नरगिस पहली बार यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ऊद एंड ग्रीन टी तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, उसके बिना तो मैं नहीं रह सकती, वो ख़त्म होता है मैं दूसरा मंगा लेती हूँ, बट मैं सोचा इस बार चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। सो आई गॉट नरगिस वाला वेरिएंट, बहुत अच्छा है।
शेयर आयुर्वेदा, ऐसा लगता है स्पा में आ गई हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतना कामिंग एंड रिजुविनेटिंग है ना ये फ्रेग्रेंस। कपड़ों वाली थोड़ा डाल लेती हूँ, एंड जब भी मैं ये वाला बॉडी मिस्ट यूज करती हूँ ना फॉर एसेंशियल का, इसके साथ मैं कोई भी परफ्यूम या कुछ भी टॉप अप नहीं करती हूँ, बिकॉज दिस इज गुड अलोन, इट्स अकेले ही काफी है, मतलब दिस इज लाइक गुड ऑल अलोन एंड इट स्टेज ऑन फॉर लाइक लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, बहुत लंबा। जनरली मिस्ट इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, बट दिस वन स्टेज फॉर लाइक, जो इनके मिस्ट है ना, इट स्टेज फॉर लाइक गुड 6-8 hours, इतना अच्छा है, सच अ पावरफुल फ्रेगरेंस। जब भी मैंने ओदन ग्रीन टी पहना ना, आई ऑलवेज गॉट कॉम्प्लीमेंट्स, लोग पूछते हैं क्या लगाया है, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ इनके दूसरे वेरियंट्स भी ट्राई करके देखती हूँ। इस बार नरगिस मंगाया, एंड दिस वन इज ऑल्सो लाइक वेरी नाइस थेरेपेटिक, आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, सो दिस इज गुड इन इट सेल्फ, लाइक ऑल अलोन इट स्टैंड आउट। इसके साथ परफ्यूम को टॉप अप करने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू बिखेर रहा है, very beautiful classy fragrance. This is something I got from Banjara market, latest kal hi lekar aaye, mats hain, table mat, jab kahin bhi use kar sakte ho, chote mats hain, acche lag rahe the. Khana banana hai, so chips ka anda, दोनों ने खाना पीना खा लिया है, खा पी के कर रहे दोनों मस्ती पीछे को देखो, और इनको खिलाने पिलाने इनका खाना बनाने में लाइक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, हाफ एन आवर 40 मिनट्स तेरा लग जाता है खाना रेडी करने में, दोनों को खिलाने में। शिबू तो अपने से ही खा लेता, और खा के देखो कैसे मेरे साथ बदमाशी करता है, मुझे ही काटता है क्या, मुझे ही मारता है, मस्ती कर रहा है शिबू। शिजू ने भी आज अच्छे से खा लिया, फटाफट फटाफट खाया, उसको भूख लगी थी, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था आज। सिम्बो अरे क्या मस्ती चढ़ी है तुमको सिम्बो, अच्छा मस्ती चढ़ी है तुमको सिम्बो को चढ़ी है मस्ती, खा पी के हो गया मस्त, अब मुझे ही परेशान कर रहा, सताता है मुझे। हाँ तभी फुल ऑन दोनों लड़ रहे हैं, फिर वो मुझसे भी लड़ रहा है। सिम्बो शुक्र है शीजू ने अच्छे से खा लिया है, इसलिए टेंशन फ्री हूँ, और अब देखते देखते मेरा टाइम हो गया है लॉग इन करने का, तो मैं लॉग इन कर लेती हूँ। उफ़ो नो सिम्बू, बदमाशी करते हो केवल, मार खाएगा, अब मार खाएगा सिंपू, मार खाएगा ना बोल, खाना है मार, क्या हो गया शिजू, जाओ 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 दौड़ जाओ। तो शीजू कभी कभी इधर उधर शिशु कर देता है, तो आज वो दिन था जब उसने यहाँ पे शिशु कर दिया था, एंड मैंने उसको क्लीन किया, फिर मैंने किया अपना ब्रंच, ये था फर्स्ट मील ऑफ द डे फाइनली, जाके शाम के 7:30 बजे। Thank you.
ले आना चाहिए था रोटी। अब क्यों रो रहा है? अच्छा पॉटी करके सीधा तुम्हें पार्क में जाना है खेलने, मेढक पकड़ने? नहीं बुलाओ मत अपने रिश्तेदारों को, मत बुलाओ भाई बंधुओं को अपने, नहीं कोई जरूरत नहीं है भाव हो करके बुलाने का सबको, इसीलिए तुरंत आते ही साथ पॉटी किया है एक सेकंड के अंदर, ताकि जल्दी से पार्क में भागे, है ना? उसको पार्क में खेलना पसंद है पापा को। शीजू चल बाबा, कुछ नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे आ भी जाओ मेरे बच्चे, अच्छा चल चल अंदर चले, सिम्बा गया अंदर, तो भी चलो, सिम्बा गया, देखो सिम्बा गया पार्क में, और तुम यहीं रह गए। हाँ बेटा चलो चलो, सिम्बा ने फटाफट से कर लिए पॉटी विद इन अ मिनट, मिनट भी नहीं फ्यू सेकंड्स बाहर निकलते ही साथ, और उसको इतनी हड़बड़ी है, उसको पार्क में जाना था इसलिए उसने फटाफट से पॉटी कर ली। बहुत चलाक है सिम्बा, उसको पार्क में खेलना बहुत पसंद है। तो वो बाहर उसने फटाफट से अपना काम किया है एंड आ गया अंदर। कहाँ कहाँ बदमाश, ये देखो दोनों को, दोनों की मस्ती शुरू। सिम्बा तो इतना क्रेजी है ना, उसको पार्क में खेलना बहुत 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 पसंद है। और फाइनली इस बार हमारी सोसाइटी में होने वाली दिवाली की पार्टी, जब मैं नई नई आई थी, नई नई शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, उस साल हुआ था, लास्ट ईयर नहीं हुआ, हाँ लास्ट ईयर हुआ था, फ्री की पार्टी थी सोसाइटी की तरफ से भी, बट ये वाला जो इस बार जो पार्टी होने वाली है वो पेड पार्टी है, हमें खुद पे करना है, पर पर्सन चार्जेस हैं जो पे करके वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द दिवाली पार्टी जो कि सोसाइटी में ही होने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि बड़ा बोरिंग सोसाइटी है, मैं हमेशा कहती रहती हूँ अपने मिस्टर को कि यहाँ पार्टीज़ नहीं होती और ये नहीं वो नहीं, तो ही वॉज़ लाइक अरे चलो कर लेते हैं, दे देते हैं, क्या हुआ, तो हमने पे कर दिया है फॉर पार्टी। अब देखते हैं कि मेन्यू में क्या होगा, वो तो पता चलेगा पार्टी में जाने के बाद ही, क्योंकि मेरे को था कि नॉन वेज होना चाहिए, तो ही वॉज़ लाइक जो गाय कलेक्ट करने आया था कलेक्शन के लिए, वॉज़ लाइक पता नहीं अभी मैम नॉन वेज होगा या नहीं, आई वॉज़ लाइक पता करो बताओ, खैर जो भी है। सो वी आर गोइंग फॉर दिस सोसाइटी वाला पार्टी 10th October को है, I'm excited about it. अभी से सोच रही हूँ कि क्या पहनूंगी मैं पार्टी में। देखो इसकी मस्ती, पागलो है ये, पागलो मेंढक ढूंढता है यहाँ पे, दौड़ता है जोर जोर से, मजे करता है, बॉल से खेलता है। अरे दूसरा झाबलो, पागलो झाबलो आ गया। और ये देखो मेरे शेर पुत्रू को, और शेर पुत्रू के कारनामे देखो, चढ़ जाता है कहीं भी, बदमाशी करता है, समझ नहीं आ रहा अभी उसे। सिबू फिर से चढ़ के दिखा दो बाबू, तुम कितने कलाकार हो। तू तेरी गिर गया तुम, ए बेकार कर दिए मजा। सिबू फिर से कूदो, आया चढ़ जा एक बार में, चढ़ के दिखा दे। ओ वो क्या बात है सिबू, मेरा शिम्बू इतना मोस्ट वाला बच्चा है ना, इतना मोस्ट वाला बाबा है। ट्रेनिंग कराएंगे बाबू तुम्हारी बहुत जल्दी।